साथियों नमस्कार मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं गुजरात के गांधी नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो देख करके बहुजन समाज के संघर्ष करने वाले लोग गर्व कर सकते हैं दरअसल इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि नीले रंग की पट्टिका गले में डाले हुए एक युवक घोड़े पर बैठा है और उसके चारों तरफ लोग नाच गा रहे हैं और हाथ में पकड़कर कुछ पेपर भी दिखा रहे हैं लेकिन यह वीडियो किसी बारात का नहीं बल्कि गांधीनगर के एक पुलिस थाने के बाहर का है दरअसल दलित समाज के युवकों ने विरोध प्रदर्शन करने का सामंतियों की छाती पर मूंग दलने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है गुजरात वो राज्य है जहाँ आज भी दलित तो छोड़िए ओबीसी वर्ग की तमाम सारी जातियों को घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं है इसी का विरोध करते हुए दलित समाज के युवकों ने न सिर्फ घोड़ी पर चढ़ करके बैंडबाजों के साथ यात्रा निकाली बल्कि पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देने भी उसी घोड़े के साथ नाच गा करके के पहुंचे हैं नेशनल जनमत इस तरीके के प्रदर्शन और वीडियो से पूरी तरीके से सहमत है क्योंकि नेशनल जनमत बार बार ये कहता है जब आप गर्व के साथ कहते हैं कि देश मनु के विधान से नहीं बाबा साहब के संविधान से चलेगा तो फिर अपने बच्चों को गले में घड़े वाली कहानी पीछे झाड़ू बहाली कहानी क्यों बताते हो यह दौर है जब बहुजन समाज के बच्चों को सम्राट अशोक का शौर्य भीमा कोरेगांव की विजय गाथा छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य चंद्रगुप्त महाराज का शौर्य उदा देवी पासी झलकारी बाई अहल्याबाई होलकर और अवंती बाई लोधी जैसी तमाम सारी वीरांगनाओं का शौर्य बताने की जरूरत है रोने पीटने की बजाय संघर्ष करने की जरूरत है नेशनल जनमत बड़े अफसोस के साथ कहता है कि जिस घटना को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था वो घटना गांधीनगर के एक गांव मानसा में घटित हुई थी जहाँ विकास चावड़ा नाम के एक युवक की बड़े शान के साथ बारात निकल रही थी लोग खुशी से नाच गा रहे थे मगर इस बहुजन समाज के अंदर से हिले हुए आत्मविश्वास का फायदा उठा करके ठाकुर समाज का एक सामान्य सा युवक भारी भीड़ में आता है घोड़ी पर चढ़े हुए दूल्हे पर हमला कर देता है पूरी भीड़ तमाशबीन भी बन करके देखती रहती है और बाद में भी ये नहीं हो पाया कि संगठित होकर के कम से कम बारात पूरी निकाल लेते उन चार युवकों से डर करके दूल्हे को घोड़ी से उतारा जाता है चार पहिए पे बारात निकलती है डीजे भी बंद करवा दिया जाता है आखिर मौके पर ही उन चार गुंडों का प्रतिरोध क्यों नहीं दर्ज कराया गया हालांकि बाद में भी इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं तो कम से कम समाज का मनोबल आगे की घटनाओं के लिए मजबूत होगा मगर जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बहुजन समाज को एकजुट होकर के इन गुंडों का मौके पर ही विरोध दर्ज कराना होगा वरना बहुत तेजी के साथ नारे लगाने से कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। इस घटना के चारों आरोपी ठाकुर यानी कि गुजरात की एक पिछड़े वर्ग से आने वाली जाति से आते हैं ठाकुर समाज के इन लोगों के लिए एक घटना नजीर की तरह है बनासकांठा एक जिला है गुजरात में वहां एक गांव है सिंह चौहान जो पिछड़े वर्ग से आने वाला युवक है उसकी बारात बकायदा पुलिस की सुरक्षा में निकल रही थी क्योंकि गांव के छत्री समाज के आने वाले लोगों ने उसको धमकी दी थी इसके बावजूद गांव के लोग हमला कर देते हैं आठ पुलिसकर्मी और बाराती घायल होते हैं पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी जाती है इस तरह की घटनाओं से भी सबक नहीं लेते क्योंकि जिसको मौका मिलता है वो अपने अंदर का सामंतवाद और ब्राह्मणवाद इस बात को लेकर उजागर करता है कि फलाना समाज हमसे नीचे है और इसी में गर्व महसूस करता है हालांकि गुजरात के मॉडल में इस तरह की घटनाएं एक नहीं बल्कि दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में है कुछ दिन पहले ही बनास के ही मोटा से खबर आई थी जहां समाज के लोगों ने पहले विरोध कराया, तो दलित समाज के लोगों ने दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठाला मगर साफा बांध लिया यह भी नागवार गुजरा तो बारात पर पत्थरबाजी कर दी अब सबसे हैरान कर देने वाली खबर अरवली जिले के ही खाम विसार गांव से आई है जहां नया तरीका निकाला गया सवर्ण समाज के लोगों ने अपने घर की महिलाओं को सड़क पर बैठा दिया और कहा कि भजन कीर्तन करो सड़क पर ही हवन करो यज्ञ करो ताकि इस रास्ते से दलित की बारात ना निकल पाए सोचिए गुजरात मॉडल में कितना जहर भरा हुआ है जब ये लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं कैसे गर्व से कहें ये लोग कि ये भी हिंदू हैं जब इनको हिंदू तो छोड़िए इंसान भी नहीं समझा जा रहा है घोड़ी पर बैठने पर दर्द है साफा बांधने पर दर्द है शां से बारात निकालने पर दर्द है डीजे बजाने पर दर्द है तो फिर ये लोग क्यों गर्व से कहें कि ये हिंदू हैं केवल वोट बैंक के लिए और दंगों के समय ये हिंदू हैं बाकी समय जब इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है तो सालों से बीजेपी जो गुजरात में राज्य कर रही है मोदी जी गुजरात मॉडल का ढिंडोरा पीट करके पीएम तक पहुंच गए आखिर उनके रहते हुए गुजरात में इस एट्रोसिटी पर काम क्यों नहीं किया गया बहरहाल इस तरह के सामंतियों और मनुवादियों का एक ही इलाज है आपस में समाज की एकजुटता एकजुट होकर के पहले तैयारी के साथ पुलिस को इन्फॉर्म करते हुए अगर ये यात्राएं निकाली जाएंगी बारात निकाली जाएगी तो संभव है कि दूल्हों के साथ इस तरह की घटनाएं घटित नहीं होंगी समान तरह की पीड़ा झेल रहे समाज एकजुट होकर के सड़कों पर निकलेंगे और इसी तरीके से घोड़ों पर चढ़ करके सामंतियों की छाती पर मूंग दलेंगे तो हो सकता है स्थिति में कुछ परिवर्तन आ ही जाए देखते रहिए संजन मत जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान जय संविधान जय लोकतंत्र धन्यवाद